नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदा आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में। देखिए, ज्योतिष में सूर्य के गोचर का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो सूर्य देव होते हैं वो सभी ग्रहों के राजा होते हैं। बिना सूर्य देव के इस धरती पर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। सूर्यदेव आरोग्य के देवता भी होते हैं। यदि शरीर में बात की जाए तो हड्डियों का कारक सूर्य को ही माना जाता है। इसीलिए आज भी आपने देखा होगा, इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि विटामिन डी का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य ही है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यदि आपको हड्डी संबंधित प्रॉब्लम है तो आप सूर्य की रोशनी में बैठें। तो ये चीज़ हमारे धर्म की वैज्ञानिकता को भी बताता है कि हमारा जो ये प्राचीन सनातन धर्म है, ये कितना वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है। देखिए, हमारे ज्योतिष में कुछ संक्रांतियों को और खासकर आपके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा को जितना महत्व दिया जाता है, उतना ही सूर्य संक्रांति को दिया जाता है। जिस प्रकार से महीने में एक बार अमावस्या, एक बार पूर्णिमा आती है, उसी प्रकार से हर माह एक बार सूर्य संक्रांति होती है। अर्थात सूर्य एक एक कर हर राशि में एक एक महीने के लिए आते हैं, और ये ज़्यादातर 14 से 15 की जो तारीख होती है इसके बीच ही होती है। तो इस वक्त जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो इसका बहुत विशेष प्रभाव विभिन्न राशियों पे, देश काल परिस्थितियों पे भी पड़ता है। चूँकि अब सूर्यदेव, चूँकि अब तक वो मेष राशि में अपनी उच्च राशि में थे, तो अब वो अपनी उच्च राशि से निकल कर वृषभ राशि में आने वाले हैं। देखिए, वृषभ राशि यदि कालपुरुष की कुंडली की बात की जाए तो धन की राशि होती है, रिसोर्स की राशि होती है। तो और इसका जो चिन्ह होता है वो वृषभ होता है, अर्थात वो बैल जो निरंतर काम करता रहता है। तो सूर्यदेव जब इस राशि में आएंगे तो बहुत सारे जातकों का काम शुरू हो जाएगा, और जिस तरह की भी परिस्थितियाँ बन रही हैं उनमें आपको देखने में मिलेगा कि जो आर्थिक प्रॉब्लम्स बड़ी पड़ी थी, आप कह सकते हैं आर्थिक जो प्रॉब्लम बिल्कुल बंद थे, अब धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े खुलने लगेंगे और कार्य में आपको लगना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्यदेव का जो वृषभ राशि में जो परिवर्तन है, वैसे तो शाम को 5:05 पे 14 मई 2020 को ही वो वहाँ से आकर, आप कह सकते हैं कि वृषभ राशि में आ जाएंगे मेष राशि से। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ कोई भी जो भी त्यौहार या कोई भी जो भी चीज़ दान दक्षिणा इत्यादि या व्रत त्यौहार मनाया जाता है, वो सूर्योदय की तिथि से माना जाता है, तो इसलिए इस दिन 15 मई के दिन आप सूर्य संक्रांति को मनाएंगे। इस दिन विशेष रूप से दान का बहुत विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है, यह सिंह राशि का स्वामी होता है। देखिए, सूर्य के अनुकूल होने से जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ अपने आप सही हो जाती है, क्योंकि जब हमारा आत्मबल मजबूत है, हमारी आत्मा मजबूत है, तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिनका सूर्य मजबूत होता है वो डिप्रेशन में नहीं आते हैं, और वो बहुत अच्छे लीडर होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो सूर्य का जो ये आप कह सकते हैं संक्रांति है, ये कुछ राशियों पर ज़्यादा अच्छा असर डालेंगी। ये मैं जो राशियाँ बता रही हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर बता रही हूँ। तो कुछ जो 5 विशेष राशियाँ हैं वो है वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इन लोगों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और इनको लाभ भी थोड़ा अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा पूरे विश्व पे इस का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। धन का जो स्रोत बिल्कुल रुका पड़ा है, आप ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से बिल्कुल आपको बंधन दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़े थोड़े खुलने आपको नज़र आएंगे इस अगले महीने तक। और काफ़ी जो कार्य धंधे बिल्कुल बंद थे उनमें धीरे धीरे प्रगति देखने को मिलने लगेगी। दोस्तों, इस दिन क्या करना चाहिए? देखिए, संक्रांति को विशेष रूप से दान के लिए बहुत विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप सबसे पहले, यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तो आप सूर्य देव की उपासना करें। सबसे ज़्यादा वो लोग जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है, वो निश्चित रूप से, नियमित रूप से सूर्य उपासना जरूर करें। सुबह 6 से 7 बजे की धूप अपनी बॉडी पे जरूर लें 20 मिनट। आप कुछ नहीं कर सकते तो ओम का जाप इस वक्त किया करें। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जिन लोगों को सरकारी नौकरी या नौकरी में कोई दिक्कत है या कार्य धंधे नहीं चल रहे हैं, तो आप डेली
तीन बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह जो पाठ होता है यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और हमारे मनोबल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा सूर्य संक्रांति के दिन आपको कुछ चीज़ों का दान जरूर देना चाहिए, और वो है थोड़ा सा आटा, गुड़, और थोड़ा सा आप कोई भी फल, या सूर्यदेव के निमित्त आप कोई भी फल, जैसे इस समय मौसम में आम है तो आप आम भी दान कर सकते हैं। और ये जो दान होता है ये मंदिर में दिया जाता है, या कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको लगे कि सच में इसको ज़रूरत है आप उसको भी दान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।